हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। जो हमारे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका मेन काम है कि इफेक्टिव टीचर को प्रिपेयर करना। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी ये जंक्शन है कि टीचर्स आर नॉट बोर्न, दे वुड बी प्रिपेयर्ड। टीचर्स जो है वो जनजाति नहीं होते, जैसे कि वैदिक युग में था केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देने का अधिकार था। तो जो आज का सिनेरियो है उसमें ऐसा नहीं है कि हम टीचर जो है जनजात होंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग के द्वारा हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं, उसके अंदर वो सारी स्किल्स को डेवलप करके, जिससे कि वो अपनी क्लास में इफेक्टिव टीचिंग कर सके। तो जो शिक्षक व्यवहार है उस शिक्षक के व्यवहार में सुधार भी किया जा सकता है, और शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए बहुत सारी फीडबैक डिवाइस को यूज करते हैं। जो ये डिवाइस है वो है माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल्स टीचिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस, टी ग्रुप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिससे कि हम टीचर्स के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से एक डिवाइस, माइक्रो टीचिंग। जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये माइक्रो टीचिंग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे उनके लिए डिजायरेबल लर्निंग सिचुएशन अवेलेबल कराती है। ये एक रेमिडियल प्रोग्राम है, क्लिनिकल प्रोग्राम है, और इसमें पीपल टीचर को अपनी जो रियल क्लास है उसमें जाने से पहले ही जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वहाँ पर उसकी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। तो जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया 1961 में। एसन वुश और एनन ने इसको सबसे पहले डेवलप किया। उसके बाद हम जब इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 1974 के आसपास पासी और शाह ने इसको डेवलप किया था। तो अब ये देख लेते हैं कि ये माइक्रो टीचिंग है क्या, और ये इसमें हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन से स्किल्स होते हैं, क्या स्किल्स क्या हैं, और जो है इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, और इसको यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। तो अब देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। पहले हम सबसे पहले जानेंगे इसका अर्थ, माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स द ट्रेनिंग टीचर टू मास्टर टीचिंग स्किल्स। ये जो माइक्रो टीचिंग है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण है, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि जो पीपल टीचर्स हैं उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करती है। तो जो इसमें है ये टू यूज स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स, जो एक स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल को लिया जाता है, एक समय में केवल एक ही स्किल को डेवलप करना होता है। जो कंटेंट होता है वो कंटेंट भी सिंगल कंटेंट होता है, इसको शॉर्ट टाइम में पढ़ाना होता है, टू टीच एवरी स्मॉल नंबर, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नंबर भी कम होता है, यानी कि कम समय में कम स्टूडेंट्स के साथ और केवल एक ही टीचिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। तो जो डॉक्टर एलन हैं, डी एलन, उन्होंने इसको स्केल डाउन टीचिंग कहा है, कि यानी कि कम जो है इसमें स्केल यानी रिड्यूस कर दिया जाता है, टाइम भी रिड्यूस कर दिया जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं, और जो कंटेंट होता है वो कंटेंट भी बहुत छोटा होता है। अब जो हमें ये माइक्रो टीचिंग है, ये टीचिंग में जो स्किल्स हैं वो स्किल क्या होंगी, वो स्किल को जो है किस तरह से हम क्लास में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं स्किल्स कौन कौन सी होंगी। जैसे जब एक टीचर अपनी क्लास में जाता है वो अपने बच्चों को कोई भी कंटेंट डिलीवर करता है, कोई भी कंटेंट उनको डिस्कस करता है, डिलीवर नहीं डिस्कस करता है, तो डिस्कस करने के लिए वो उसमें जब वो क्लास में अपने कंटेंट को डिस्कस करता है तो उस समय क्या होता है, बहुत सारी स्किल्स यूज करता है। कैसे स्किल्स, जैसे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी चेक करता है जिसे कि इंट्रोडक्शन स्किल कह देंगे, उसके बाद वो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछता है, अपने कंटेंट को एक्सप्लेन भी करता है, एक्सप्लेनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता है जो कि एग्जाम्पल रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, फिर साथ साथ में उनको रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करता है। और कभी भी एक पोजिशन में खड़े होकर टीचर नहीं पढ़ाता है, स्टिमुलस वेरिएशन होता है, ब्लैक बोर्ड यूज करता है, तो ये बहुत सारी स्किल्स हैं, वो इन स्किल को एक साथ यूज करता है। लेकिन जो पीपल टीचर है अभी वो रियल क्लासरूम में गया नहीं है, तो उसको
अपनी उस रियल क्लासरूम में जाने से पहले जो है ये स्किल्स बता दी जाती हैं कि आपको क्लास में जाकर इंट्रोडक्शन कैसे लेना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये इसको हर स्किल को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो जो ये स्किल है, जैसे हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्किल की बात करते हैं, तो जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो एक समय में केवल इसी इंट्रोडक्टरी स्किल को ही वो यूज करेगा, इंट्रोडक्टरी स्किल ही लेगा वो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि प्रॉबिंग स्किल है ये, तो प्रॉबिंग स्किल में वो प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, तो उस समय वो खोजपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि अपने कंटेंट में पहुंचने के लिए, अपने कंटेंट को आगे तक ले जाने के लिए। तो जब हम पीपल टीचर से ये स्किल कराते हैं तो एक समय में केवल एक ही स्किल को बच्चा उस क्लास में करता है, और इसके लिए उसके पास टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। पूरे 36 मिनट का ये जो है साइकिल होता है, जो प्लानिंग होती है वो अपने आप घर से करके आता है वो, ठीक है। तो एक समय में केवल एक ही स्किल को वो यूज़ करेगा, और दूसरे जब तक उसे इंट्रोडक्टरी स्किल पर मास्टरी नहीं हो जाती है तब तक वो नेक्स्ट स्किल में नहीं जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि जो बीके पासी हैं, इन्होंने 13 स्किल्स बताई हैं कि 13 स्किल्स हैं, जो कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं, और इंट्रोडक्शन लेसन प्लान का है, क्वेश्चनिंग है, उसके बाद प्रॉबिंग, इस तरह से इन्होंने ये 17 दिए हैं, और रायन ने 14 स्किल्स दिए हैं। तो जो स्किल्स हैं ये, जो जहाँ भी हमारी ट्रेनिंग होती है, जो बीएड और बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर उनका कुछ एक सेट फ्रेम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो 8, 10 या 5 स्किल्स को लेते हैं। तो ये स्किल्स ली जाती हैं, तो ये स्किल्स किस तरह से उनको करनी होती हैं, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी इन लेस टाइम। अब ये क्या है कि बहुत शॉर्ट टाइम में जो है इसको किया जाता है। इसके लिए 6 मिनट होते हैं एक माइक्रो टीचिंग के लिए। 6 मिनट में वो जो है अपने कंटेंट को डिस्कस करता है, पढ़ाता है अपने कंटेंट को अपनी क्लास में, और जिससे कि उस जब वो प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे उसमें मास्टरी नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये गुणवत्ता प्रदान करने वाली प्रवृत्ति है। माइक्रो टीचिंग इज एन इंडिविजुअल लर्निंग, ये व्यक्तिगत शिक्षण है। अब कैसे व्यक्तिगत है, क्योंकि हर बच्चे को अपनी क्लास में जो मॉडल लेसन प्लान बनाकर माइक्रो टीचिंग का लाना होता है और वो वहां पर प्रेजेंट करना होता है। इससे क्या है, ये इंडिविजुअल लर्निंग उसकी होती है। अब माइक्रो टीचिंग में डेवलप ओनली वन स्किल एट अ टाइम, एक समय में केवल एक ही स्किल को डेवलप किया जाता है। यदि क्वेश्चनिंग स्किल का मॉडल लेसन प्लान बनाया है तो पहले क्वेश्चनिंग स्किल का मॉडल लेसन प्लान क्लास में प्रेजेंट किया जाएगा, फिर आपको फीडबैक देंगे, और यदि उस फीडबैक में आपको बताया जाएगा कि आपका जो है पॉजिटिव क्या पॉइंट है, नेगेटिव क्या पॉइंट है, आपने क्या सही नहीं किया है, उसको कैसे आपको रिमूव करना है, तो एक ही स्किल को डेवलप किया जाता है। अंडर माइक्रो टीचिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस 5 to 6, 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं, और जो टीचिंग का टाइम है वो भी 5 से 10 मिनट का होता है, और तुरंत इसमें इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक मिलने के बाद फिर से वो अपना रीप्लान करता है। अब देख लेते हैं साइकिल क्या है माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये बहुत बार पूछा जाता है, 4 मार्क्स में भी आता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो पूरा आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना होगा। इन माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट्स आर मेड टू प्रिपेयर लेसन प्लान। अब माइक्रो टीचिंग में जो बच्चे होते हैं, जो पीपल टीचर हैं, वो पीपल टीचर जो मॉडल लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का, उस प्लान को वो बनाते हैं, और उसके बाद उसको टीच करते हैं, और टीच जब करते हैं क्लास में अपने उनके साथ जो उनके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं वहाँ पर, उन्हीं को उनको टीच करना होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लास होती है। मान लीजिए आपने 7th क्लास का प्लान बनाया है, तो वहाँ 7th के बच्चे ना होकर के जो बीएड या बीटीसी का आप लोग कर रहे हैं, जो आपके ट्रेनिंग साथ में कोर पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, वही वहाँ बैठेंगे, वही आप मतलब वही रोल प्ले करेंगे स्टूडेंट्स का, और फिर आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो भी ऑब्जर्वर क्लास में पीछे बैठता है, वो ऑब्जर्वर फीडबैक देता है। ये जो फीडबैक है ये टेप भी किया जा सकता है, और टेप करके भी आप इसको सुन सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, और
या फिर क्या होता है कि जो टीचर है या जो आपके पीयर ग्रुप के स्टूडेंट हैं, यदि वो फीडबैक दे रहे हैं तो उन वो भी आपको मैनुअली वहाँ पर लिख सकते हैं, लिखकर आपको बता सकते हैं। तो जो ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग में की जाती है, और उसके बाद जब लेसन ख़त्म हो जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस होता है, इस तरह से जो टीचर पीपल टीचर हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, और उसको उसने क्या कमियां की हैं उसको सुधारने के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। इसके बाद जो पीपल टीचर है फिर से अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करता है, फिर से क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या उनको पढ़ाता है वहाँ पर, और फिर दोबारा से वही उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि सर्किल कैसे है। ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग हम घर से ही करके आते हैं। तो आप लेसन प्लान बना के स्टूडेंट ले आएगा, उसके बाद में 6 मिनट टीचिंग होगी। 6 मिनट में वो अपने माइक्रो प्लान को, जो उसने कंटेंट बनाया है उस कंटेंट पर माइक्रो प्लान को वो क्लास में पढ़ाएगा। पढ़ाने के बाद उसके उसको फीडबैक दिया जाएगा। ये फीडबैक जैसे मैंने ये बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या जो आपके ऑब्जर्वर पीछे बैठे हैं वो आपको लिखकर भी बता सकते हैं आपके पार्ट के, आपको अपने लेसन प्लान में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अब यहाँ पर उसको फीडबैक दे दिया गया, उसके बाद वो रीप्लान करेगा, या चाहे वो उसी कंटेंट को दोबारा पढ़ाएगा या फिर कोई और कंटेंट भी पढ़ा सकता है। उसको बता दिया जाएगा, मान लीजिए कि वो कॉन्फिडेंस की उसमें कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना। मान लीजिए उसको उसका जो है बोलने का तरीका सही नहीं था, तो आप बता दें कि फ्लुएंसी सही नहीं थी बोलने में, तो यहाँ पर वो फिर से रीप्लानिंग करेगा, पुनः योजना बनाएगा। फिर से ये अपने यहाँ पर जो रीप्लानिंग होगी ये 12 मिनट की होगी। यहाँ पर जो हम घर से बना के लाते हैं ये 6 मिनट का है, ये भी 6 मिनट है, ये 12 मिनट है। फिर यहाँ पर 6 मिनट में फिर से वो रीटीच करेगा, फिर से उसको रीफीडबैक दिया जाएगा। तो ये 36 मिनट पूरे हो जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसमें जो उसको स्किल दी गई है उस स्किल पर उसकी मास्टरी नहीं हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप्स इन अ माइक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स हैं, सोपान है, वो सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ओरिएंटेशन अबाउट माइक्रो टीचिंग। अब जब हम स्टूडेंट्स को माइक्रो टीचिंग करा रहे हैं, ये नहीं है कि उनको दे देंगे आपको इंट्रोडक्शन पर प्लान तैयार करके ले आना है, नहीं, हमें पहले उसके लिए उसका ओरिएंटेशन देना होगा, उसके बारे में बताना होगा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि ये इसका क्या मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका प्रोसेस क्या है, और इस टेक्निक के लिए क्या क्या नेसेसरी सिचुएशन होने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। सेकेंड है डिस्कस ऑफ टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल की चर्चा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि जो स्किल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि बहुत स्किल्स तो बहुत सारी हैं, अब आपने कौन सी 5 स्किल लिए या 7 स्किल लिए, कौन कौन सी स्किल लिए उनके बारे में बताएंगे, और कंपोनेंट टीचिंग स्किल्स के क्या हैं, उनकी रेटिंग किस तरह से होनी है ये बताया जाएगा यहाँ पर। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, किसी विशेष शिक्षण कौशल का चयन। जब आपको टीचिंग करनी है तो आपको कौन कौन से जो है शिक्षण कौशल आपने चुनाव किया उनके बारे में टीचर इनको पहले बताएगा। प्रिपरेशन ऑफ मॉडल डेमोंस्ट्रेशन प्लान, अब यहाँ पर आपने बता दिया माइक्रो टीचिंग क्या है, स्किल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्किल्स को डिस्कस किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको डेमोंस्ट्रेशन जो टीचर है उसे सभी को एक एक डेमो क्लास देनी होगी, जिसके थ्रू उनको पता चल सके कि किस तरह से जो स्किल को चुनाव कैसे करेगा बच्चा, और इस कौशल का अभ्यास करने के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारी होगी, क्या क्या मटेरियल होगा, वो भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है आपका 4th नंबर पे आपका जो आदर्श पाठ है, ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल डेमोंस्ट्रेशन प्लान। तो इसमें जो है जो ट्रेनीज हैं उनके सामने जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस कराने के लिए एक मॉडल प्लान प्रेजेंट किया जाएगा, और इस मॉडल प्लान से ये उम्मीद की जाएगी कि जो शिक्षण कौशल से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं
या शिक्षक का व्यवहार है वो अच्छी तरह से उसको फॉलो अप कर ले, उसके साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं या फिर एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उसको ऐसे प्रैक्टिस कराई जाए कि शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श पाठ उसमें की जैसे उसे वीडियो टेप पर रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करके फिर उसको दिखाया जा सकता है या फिर उसी टेप रिकॉर्डर पर टेप करके इस जो पीपल टीचर है उनको सुनाया जा सकता है या किसी एक्सपर्ट या जो टीचर ट्रेनिंग देने वाले फैकल्टी है उसके द्वारा रियल क्लासरूम में इस पाठ को पढ़ा करके दिखाया जाता है। मतलब आदर्श पाठ यानी कि जो टीचर है अपने जो पीपल टीचर है उनको बताएगा कि उन्हें अपनी क्लास में जो उनकी आर्टिफिशियल क्लास अरेंज की जाएगी उस क्लास में उन्हें कैसे अपना माइक्रो प्लान कैसे प्रेजेंट करना है। पांचवा है आपका ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल लेसन प्लान। अब जो स्टूडेंट्स ने इस पाठ को यहाँ पर पढ़ाया गया, उसको प्रेजेंट किया गया, उसको देखा सुना और उसके द्वारा जो सावधानी से उसको एनालिसिस भी किया जाता है, तो इस काम के लिए उन्हें जो मॉडल प्लान है उसे देने से पहले ये बता दिया जाता है कि उन्हें क्या क्या नोट करना है। जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है वो पहले से ही दे दी जाती है, तो इस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कैसे यूज करेगा ये समझाया जाता है। इस तरह से जो ऑब्जर्वर है जहाँ एक और पीपल टीचर को नेसेसरी टीचिंग जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करने में हेल्प करता है, वहीं दूसरी ओर भी वो जो मॉडल लेसन प्लान है उसको प्रेजेंट करने वाला जो है उसको भी फीडबैक दिया जाता है। इसके बाद है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। भाई यहाँ पर जो था यहाँ पर सब उसके बारे में बता दिया गया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, कौन सी स्किल्स होंगी, स्किल्स को कैसे चूज करना है और प्लान कैसे तैयार करना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा पाठ का और कैसे उसका ऑब्जर्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो बच्चा है पीपल टीचर है वो अपने आप माइक्रो प्लान को बना करके लाएगा और उस माइक्रो प्लान को उचित परिस्थितियों का निर्माण करेगा, पढ़ाया जाएगा, फिर शिक्षण अभ्यास सत्र यानी कि यहाँ पर वो टीचिंग करता है, टीचिंग के बाद उसको फीडबैक दे दिया जाता है, जैसा उसका फीडबैक आता है उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग वो फिर से रीप्लानिंग करता है, फिर रीप्लानिंग करने के बाद रीटीच करता है, टीचिंग के बाद फिर से वही उसको फीडबैक दिया जाता है और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है जब तक वो उसमें उस स्किल में एक ही स्किल में मास्टर नहीं कर लेता है। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन स्किल चल रही है तो पहले इंट्रोडक्शन स्किल में मास्टरी होगी, उसके बाद वो दूसरी स्किल मान लीजिए क्वेश्चनिंग स्किल है या एक्सप्लेनेशन स्किल है, बाद में दूसरी स्किल पर वो पहुंचेगा। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण की पुनरावृत्ति मतलब रिवाइज होगा ये पूरा साइकिल, फिर है शिक्षण कौशलों का एकीकरण। अब यहाँ पर क्या है इस स्टेप में क्या है कि जो सारे स्किल्स पढ़ाए गए मान लीजिए पढ़ाया गया आपको इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, रिइंफोर्समेंट, स्टिमुलस वेरिएशन, तो इनको अलग अलग पढ़ाया, लेकिन अब क्या करना है सारे शिक्षण कौशल जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं उनको इस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा कि जिससे कि जब रियल टीचिंग में जो बच्चा जा रहा है तो वहां पर तो उसको एक साथ पढ़ाना है सब कुछ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सिखाया जाता है कि सारे स्किल्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा और एकीकृत रूप में इसका उपयोग होता है और जो क्लास में बच्चा जाता है उसको हमेशा क्लास में जाने पर बहुत सारी स्किल्स यूज करनी होती हैं, तो माइक्रो टीचिंग में क्या है कि उन स्किल्स को अलग अलग तरह से सिखाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि माइक्रो टीचिंग क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसको क्या साइकिल है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है निश्चित रूप से शिक्षण कला में ये मास्टरी जो अटेन करने के लिए एक बिल्कुल इफेक्टिवली और कंट्रोल टेक्निक है और इसमें कुछ कमियां भी हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो हमें इनके बेनिफिट्स को देखना है। आज के लिए इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।